सो हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। मैं उमरना और आप देख रहे हो एरिटेक व्लॉग्स चैनल। सो गाइस, स्वागत है एक और नए धमाकेदार वीडियो के अंदर में। और आज की न्यूज़ क्या है, आज का जो सोशल मीडिया का न्यूज़ है वो ये है कि क्या सच में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक इंडिया में बैन हो चुका है या फिर ये एक फेक न्यूज़ है। ठीक है, तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप देख लो या फिर अगर आप गूगल पे स्क्रॉल डाउन करके देख लो, आपको मिलेगी यही एक न्यूज़ कि भाई व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर ऐप भी बैन हो चुका है इंडिया में। क्या ये सच है या नहीं है, आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात यह है कि जो फेसबुक है, क्योंकि सबका फाउंडेशन है तो एक ही है फेसबुक, उसने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया को एक नोटिफिकेशन सर्कुलर भेजा था, जिसका मतलब जो मेरे पास अभी एक वेबसाइट से खुला हुआ है। ठीक है, ये जो सर्कुलर है वो आया था। तो अब सर्कुलर में क्या था कि कुछ रूल्स थे, कुछ गाइडलाइंस थी जो कि हमारी ट्राई या फिर कहूँ हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की गाइडलाइन से मीट नहीं कर रही थी, या फिर हमारे मतलब इंडिया के टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो गाइडलाइन सही नहीं बैठ रही थी। ठीक है, तो इनका एक 3 मंथ एग्रीमेंट था जो कि February 25 से शुरू हुआ था, और फेबररी, अप्रैल और अब May 25 हो चुकी है, तो तीन महीने ऐसे हो गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, डेडलाइन इज May 25, आज May 26 है शायद, हाँ आज May 26 है शायद, सही है May 26 है, तो कल ही 25, यानी कि कल रात 12 बजे ये जो सर्कुलर आया था इसकी डेडलाइन हो चुकी है। तो अब क्या है, अब तक जो FB से जवाब आया है, FB के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है कि हमारा जो कोड ऑफ एथिक्स है उसने ये बात जाहिर करी है कि हमारी गाइडलाइन सब सही हैं, हमारी गाइडलाइन में कोई भी गलती नहीं है और सारी की सारी गाइडलाइन जो हमारी इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मीट करती हैं। लेकिन यही इंस्टाग्राम का ये कहना है, वी आर वेटिंग फॉर द फेसबुक फाउंडेशन मैसेज, मतलब अब इंस्टाग्राम टोटली रिलायबल है FB पे और FB ने अपना निकाल दिया है। ठीक है, और ट्विटर का तो कुछ है ही नहीं ट्रेंड, और ट्विटर में सब लोग ये ट्रेंड मारे पड़े कि भाई I am stand with Twitter India, तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आगे जरूर हो सकता है। अब बात करते हैं मेन चीज़ व्हाट्सएप की। गाइस, अगर ये ऐसा होना होता कि व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह बैन होने होते तो अब तक बैन हो चुके होते। ठीक है, और आप लोग अगर व्हाट्सएप चला रहे हो तो ये मैं समझता कि व्हाट्सएप बैन नहीं होगा, व्हाट्सएप बैन हो सकता है लेकिन अभी तक बैन नहीं हुआ है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि अभी कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ सकती है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा इसके बारे में। सिर्फ और इतना बताया कि ये बैन होने की न्यूज़ आई है। अगर आप लोगों को वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना, और 200 सब्सक्राइबर्स में मात्र 15 बचे, 2 नए सब्सक्राइब बचे, 17 बचे, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के अंदर में।